हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सबसे किफायती तरीका। सबसे अच्छा, सुंदर, सस्ता तरीका है, डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो। फिर उसका अचार बना दो। आचार केवल सरसों के तेल में ही बनाए, काफी तेज स्मेल होती है उसकी, किसी को भी शक नहीं होगा। दूसरा किफायती तरीका है, मीट को सुअरों को खिला दो। सुअर हड्डी तक चबा जाते हैं। बस ख्याल रखें कि डेड बॉडी से सारे बाल छील डालें और उसके दांत निकाल दें। उसे हजम करना सुअरों के लिए भी मुश्किल है। आपको कम से कम 16 सुअर की जरूरत पड़ेगी, जो पूरी की पूरी 200 पाउंड की डेड बॉडी खा के चट कर जाएंगे 8 मिनट में। फिर आप भी खुश और सुअर भी खुश। Radhika, wow, you haven't changed a bit. You still look the same. पर तुम इतनी अंग्रेजी क्यों छाड़ रहे हो? हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? बरबट्टी? हाँ। यही बुलाते हैं तो जो स्कूल में? मैं बरबट्टी और तुम गेंडे। अच्छा एक चीज बताइए, have you got a place to stay या फिर तू मेरे यहाँ रह सकती है? नहीं नहीं, तुम मुझे पिकअप करने आ गए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? ठीक है, ठंड यार तुम्हारे लंदन में। हस्बैंड कैसा है? तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, छुपा के रखें क्या? शादी नहीं हुई क्या? हाँ, क्यों, जरूरी है क्या? अच्छा, यहाँ बड़ा चाकू मिलेगा क्या? हाँ, कितना बड़ा? बूचर्स नाइफ। बूचर्स नाइफ का क्या करना? मीट का अचार बनाना है, मेरा बिजनेस का आइडिया है। मिलेगा, टेस्को। ये क्या है? यहाँ का सुपरमार्केट। अच्छा, और यहाँ सुअरों की फार्मिंग होती है क्या? हाँ होती है, क्यों? सुअर ना बड़ा कमाल का जानवर है, उसका आप अचार बना सकते हो और जो बचा कुचा सुअर होता है ना, वो आप बाकी सुअरों को खिला सकते हो, हड्डियाँ तक चबा जाते हैं, कमाल है ना? मेरे राधे मुझे नेक नहीं लगे। अरे मेरे राधे नेक ही हैं। अंकल आंटी कैसे हैं? यार आंटी के वो बूंदी के लड्डू लाई हो साथ? याद है कैसे मैं झपट पड़ता था उन पर? देख, कुछ भी जरूरत हो बेहिचक फोन कर, सीधे घर आ, चल बाय। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। बख्शी अंकल है ना? हाँ, क्या चाहिए?
एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी थी आपसे हमारे जीजा जी के बारे में। वो दरअसल क्या हुआ ना, 4 साल पहले हमारी जीजी और जीजा का ब्याह हुआ था और फिर वो यहाँ पर इंग्लैंड आ गए थे, फिर 4 साल से संपर्क टूट गया उनका, तो वो जानकारी प्राप्त करनी थी। उन्होंने आपका नाम लिया था, ठीक तो है ना? हाँ हाँ, इतनी सारी हिंदी मैंने पिछले 15 सालों में नहीं सुनी। Honey, she's new here. Please don't laugh. Sorry. English. Love their crockery. देखो, इतने सारे लोग आते हैं इंडिया से, यहाँ सबके बस की बात नहीं यहाँ रुकना। अंकल जी, कोई तो तरीका होगा ना जानने का। जीजा और जीजी के बीच में कोई समस्या नहीं थी और काफी बातचीत होती थी, हफ्ते में एक बार तो फोन कॉल हो ही जाता था, पर पता नहीं उसके बाद अचानक से संपर्क सब बंद हो गया। तो तुमने पुलिस में पता किया? लीगली आया था क्या? यहाँ पर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे क्या? Did she say police? Haven't you got that thing you have to go to? मैं क्यों जाऊँगा? No, sweetheart, no police. Police नहीं. He's a UK citizen now. He's living here legally. अंकल जी, अगर आपकी बेटी का जीजा खो जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो ना। Doesn't Betty mean daughter? Is she your daughter? No, I just said. हाँ, लेकिन मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना, और हम लोग तो एक ही देश से आते हैं। तो? Do you have a wife that you're hiding from me, darling? अच्छा अंकल जी, फर्ज कीजिए कि आपकी बेटी का जीजा खो जाए, मतलब भगवान ना करे कि आपकी बेटी का जीजा खो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी बेटी का जीजा खो जाए और वो उसको ढूंढते ढूंढते किसी पराए देश में आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे? Come on, chop chop. We have to go to that thing. Oh yes. He's so forgetful. देखो, मेरी बेटी जीजा क्यों ढूंढेगी? तुम्हारी दीदी कहाँ है? तुम क्यों ढूंढ रही हो अपने जीजा को? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी, आप बस सोचिए कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। Motherfucker! You Indians are animals, all of you. आप इंडिया और इंडियंस के बारे में कुछ ऊटपटांग मत बोलिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय हिंद। Leave this house this very fucking minute with that little cunt. Please calm down. Don't touch me. Give me some motherfucking water, Rocker. Yes, water is coming, darling. Please calm down. Oh, leave my house now. Leave my house right now. ये लो। सॉरी, थैंक यू अंकल। अंकल जी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है ना, तो आप मेरे मुंह पे बोल दीजिए, लेकिन आप मुझे साफ साफ बताइए, ऐसे गोल गोल बात घुमा के मत बताइए। अगर लीगली रह रहा होता तो 5 मिनट का काम था, पर यहाँ आकर लोग नाम भी बदल लेते हैं। अब मुझे ही देख लो, जब मैं इंडिया से आया तब मैं रोशन था, रोशन, और अब क्या? रोको हो गया हूं, रोको रोको। जीसस, आप एक मिनट चलिए मेरे साथ, इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना जीजा जी की पर्सनल डायरी है, शहरों के नाम हैं इसमें, वो शायद लंदन से इधर चले गए हो, हाँ हो सकता है ना। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बीच में एक ही बार इंडिया आए थे तो अपनी डायरी घर पे भूल गए थे। और ये देखिए, कुछ लोगों के नाम भी हैं इसमें, रोशन बख्शी आपका नाम, अरे कौन है, दलजीत सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं, इनका लंदन का एड्रेस दे रखा है। आप तो लंदन में सारे एड्रेसेस जानते होंगे ना, मुझे पता है कि आपको शायद यहाँ के भारतीयों के बारे में पता होगा। अब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के का, अरे कुत्ते की आवाज, रुक रुक साले, तू ये बीवी को छोड़ के भागा होगा ना, तब तेरी की मेरा सामान, ओ रुक ओए रुको रुक रुको रुक रुको ओए रेसले रुको के फट रुक रुक रुको ओए रुको के फट से तूने भी छोड़ा था ना, मैं देख लूंगी रुक। सर, एक हिंदुस्तानी औरत मेरे पीछे पड़ी है। I mean, one Indian woman is running behind me. She wants to kill me. Can you please help me? Where? Where is she gone? She was just down there. She was following me. I can't see anyone. साले, बड़े फुर्तीले अंकल जी, हाँ? अपनी उम्र के लिए तो बड़ा तेज भागते हो। कहाँ है मेरा पति? पति? जीजा, जीजा, कहाँ है मेरा जीजा? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, राधिका बेटी? बेटी? अब मैं आपकी बेटी बन गई?
पहले तो चोर पुलिस खेले थे मेरे साथ, अब बेटी बेटी खेल रहे हो हाँ? अरे कि घुसा दूं। देखो तुम किसी दलजीत के नाम ले रही थी ना? हाँ? एक दिन आया था और उसको लेकर के चला गया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तो तुम्हें पता क्या है हा? देखो जब इंसान घर से निकलता है और दुनिया को समझने लगता है तो सब बदल जाता है। किसी के लिए शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी जगह मैं बिल्कुल सही हूँ। आई एम सॉरी, आई कुडंट हेल्प इट। कुछ बोले ना, तितली सी लागे, उलझी सी लागे, खुद रंग है रंगत हंसे खुल के, बातें खुद से वो करती, गम को पलकों में रखती, खोई खोई सी रहती है यहाँ, टूटे हैं जो सपने दलजीत जी को जानते थे, उन्होंने उनका नाम लिया। दलजीत जी, दलजीत जी, उस कुत्ते का ना ना ले मेरे अगे, समझे ना? और जिस बंदे को तू ढूंढ रही है उसका कोई नाशा है कि नहीं? की पेशाब कर सकती हूँ? चल अंदर चल। जीत जी, दलजीत जी नहीं है क्या? अंदर चल। कम शम कर दी सी के हाउसवाइफ। नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है। मेरा नाम राधिका है, आज मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? दो साल किया, पैसे कमाकर यहाँ पर आई। लव मैरिज के अरेंज लव हैं?
नकद अलग, मेरे पैसों से यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने आया था। माँ बाप ने मिला दिया और फिर बस प्यार तो होना ही था। चाकू अच्छा चला लेती है, पति से तो मिलना है। आपने ऐसे छोड़ दिया? हाँ हाँ, ऑन टाइम डिलीवरी, अकेले लेगी। ओला कर। वैसे आपका बेटा स्कूल गया है? स्कूल ट्रिप पर गया। अच्छा, मैं गारंटी देती हूँ किसी कुत्ते का मुंह फाड़ के ना उसके दांत गिन रहा होगा। उसका नाम क्या है? भारत। हाय, इंडिया की याद में? इंडिया के याद में होता तो उसका नाम भारत ना रखती। हाँ, वो भी है। जी, जब इतनी नफरत करती थी उस आदमी से तो शादी क्यों की? मैंने कहा की मम्मी डैडी ने कराई, और ना करती तो क्या करती, घर बैठ के परौठे और अचार बनाती। अकेलेपन का इलाज ना शादी नहीं है। सॉरी। हाय टॉम। हे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। सो काइंड। एंजॉय दिस टॉम। थैंक यू। हाउ आर यू? हां, इट्स रियली। राधिका? हां, आ रही हूं। चीयर्स टू पतिव्रता राधिका। तो आप यहाँ कब आई? 21 साल की थी। हाँ, 21 साल की। प्यार हो गया था उसे मुझसे, मैं भी पसंद करती थी। फिर मुझे लगा मेरी किस्मत अच्छी है, जलंधर टू लंदन होगी शादी, आ गए। एक महीना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, बहुत ही बढ़िया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और वो दूसरी सरोज ले आया। हाँ, बीच सड़क छोड़ दिया था उसने मुझे अपने बच्चे के साथ। घर वापस आने के लिए पैसे भी नहीं दिए। भरत को गोद में उठाकर पैदल घर पहुंची हूं मैं। और बाय गॉड, उस दिन ऐसा मन किया कि भरत को फेंक दो ब्रिज के नीचे और खुद भी छलांग मार दो। नहीं कर पाई, नहीं हुआ मुझसे। मिलने नहीं है आपको कभी? वो नहीं, नहीं, नहीं। मैं गई थी मिलने उसे। उसकी गोरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा खोला और जब वो सामने आया, उस गोरे के सामने मुझे पहचाना ही नहीं उसने। जस्ट लाइक दैट। कैसे कर लिया आपने ये सब अकेले? अरे पगली, इतनी सीरियस क्यों हो रही है? अगर मैं आपकी जगह होती मैं कभी नहीं कर पाती है। माय गॉड, मैं कभी नहीं कर पाती हूँ। सरोज जी, और वेरी ब्रेव सरोज जी। ना 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 ना, कोई ब्रेव श्रेव नहीं हूँ मैं। ओए, ये सारी चीजें ना आदमियों की बस की होती नहीं है। भरत को अकेले पाला है मैंने, अकेले, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और तू भी प्रॉमिस करके तू कभी ये नहीं कहेगी कि तुझसे नहीं होगा। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तू भी कर सकती। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। 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 सुन। हाँ। एले, ये क्या है? पराठे। सुसाइड मिशन खाली पेट थोड़ी ना होता है। मैं ना वाइग्रू से कहूंगी कि तू और तेरा पति इंडिया ना आ जाए। किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करना। ओके, थैंक यू सरोज दीदी, बाय। रब रखा। कुछ साल पहले यहीं पे जॉब करता था, फिर कहीं चला गया।
सुना है ऑक्सफोर्ड वगैरह में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड? वहाँ का कोई फोन नंबर एड्रेस वगैरह? नंबर आई एम नॉट श्योर क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई, पर हाँ शायद मिस्टर पटेल को पता हो। रुको मैं पटेल भाई का एड्रेस निकलवाता हूँ। दा दा केम छे भाई मजा में? अपने तारी जी पहला जगह थी ने एनु एड्रेस जोईतो तो। एक बहन आया थे अभिषेक ने सोते थे। यहाँ पे देख लो पटेल भाई का एड्रेस है, शायद उनको पता हो अभिषेक का एग्जैक्ट एड्रेस। यहाँ से कितना दूर होगा कोई आइडिया? गूगल कर लो ना, सारे दुनिया के गवार इसी दुकान पे आते हैं। Извините, какой автобус на Бонд Стрит идет? А? Автобус на Бонд Стрит. Бонд. Джеймс Бонд Стрит. Джеймс Бонд? Пикчер. Джеймс Бонд Пикчер. Мне нужен до Бонд Стрит, всегда Бонд Стрит. English? Ну нет, English. Не понимаю, мне очень важно. Арей, ты кунси бхашан бат кару, мужи кя сон маяга? Тут ты мне чирикаешь вот это вот на своем. Арей, мере пас бахот проблем зэ. Я все нормально, по-русски спрашиваю. Мне не сон маяра, тум кя кэ рэо. Ты можешь мне нормально ответить, я спрашиваю, как... Кя Бонд Стрит, Бонд Стрит? Эй, हेलो। हेलो आनंद। राधिका कैसी हो? राधिका ये ये टॉवल देने आया था। शादी के कुछ महीनों बाद वो लंदन भाग आया। कुछ महीनों तक मैं इंतजार करती रही कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, मुझे बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ। कॉल ही नहीं आया। नहीं बेवकूफ थी। टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ तो पता निकाल ही लूंगा तेरे अभिषेक का। सर आनंद तो बहुत मदद कर रहे हो। एक बात बोलूं, अपनों ने भी नहीं की इतनी मदद, मैं सच्ची बता रही हूं। तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी यार समझ ले हुई नहीं,
इसे बातें छोड़, तू सो जा, कल बात करते हैं। I'm sorry, वो ब्लैंकेट। गुड नाइट। या हेलो मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल, इंडियन मैन, यू नो हिम? या वन मिनट, या वन मिनट। Right door behind you. Go wash your face. Okay. Thank you. I know where Patel is. Huh? Where? Would you like some tea? 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 No, no. No tea. No tea. No tea, no tea. You have address? I can get you the address. Okay. You want the address? Yes, yes, I'll please. I'll get you the address. The address here. Do you want it? Do you want it? Here, come and get it. Come on, come over here. I've got it. There you are. Do you have anywhere to stay tonight? Huh? Would you like to stay here? No, mujhe jana hai. I have to leave. Thank you very much. I will go now. Please, can we talk sometime? Yeah, talk! Mere haath chodo! Mere haath chodo! Nahi, mere haath chodo! Kya se? इस जग में तेरा कोई ठिकाना नहीं, क्यों खोया है तू, क्यों गुमसुम सहमा सा इस जहां में। यहाँ तेरा ना कोई हमनवा, सुन मेरे मनवा, तू ही बता
तो गेंडे जी आज आखिरी रात एक नंबर की भूंदू हो तुम। काश कभी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाते। अच्छे भूंदू मॉर्निंग नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग हैव अ सीट आई विल गेट यू अ फ्रेश वन। हां अच्छा एक चीज बताओ तुम चाय लोगी कॉफी? चाय प्लीज अदरक वाली। क्या बात है तुम्हारे मेरे टेस्ट कितने मिलते जुलते हैं भाई। वैसे तुम्हारे पति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने फैला दी है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसकी सारी डिटेल्स डाल दी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पहली खबर मिलते ही आपको इत्तला कर दी जाएगी मोहतरमा। थैंक यू आनंद। वैसे एक बात बोलूं यार तुम्हारा पति ना ही बड़ा गधे किस्म का आदमी है। तुम्हारी जैसी लड़की को छोड़ के भाग गया। वैसे मुझसे शादी की होती ना तो कभी ये नौबत नहीं आती। वैसे मुझे पता है कि मेरी डेस्क पे रोज चॉकलेट कौन छोड़ता था। अच्छा कौन छोड़ता था? मिस्टर इंडिया। कॉलेज के बाद तो तुम गायब ही हो गए। तुझे सही में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता है? ये पूरे शहर भर में खबर है तुझे पता ही नहीं? क्या? मुझसे मर्डर हो गया था। क्या? एक्सीडेंट था। तुझे पता है ना मुझे गुस्सा कितना आता था। खैर इससे पहले कि मैं जेल जाता घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया और मैं घूमते घुमाते यहाँ पहुँच गया। यहाँ मुझे मिला मेरा सेकंड चांस मेरी टैक्सी। लाइफ सबको सेकंड चांस नहीं देती। लो जी आ गया एंड्रयूज लेन। पहुंचते ही कॉल करना। ऑक्सफोर्ड वाली मौसी का नंबर लिख लिया ना? हाँ आनंद। बाय।
जो आदमी खुद सिगरेट पीता हो वो अपने बच्चे को सिगरेट ना पीने की नसीहत कैसे दे सकता है? ना तुम सिगरेट पीते हो ना तुम्हारे बच्चे हैं तो बात सही है, नहीं पीता है। तो मैं तो तुमसे कह सकता हूँ जो गलतियाँ मैंने की है वो तुम मत दोहराना। कुछ गलती के साथ जीना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना अपना। तुम भी। मर गए। क्यों? I don't have any money, so if you're expecting me to give you anything, Arre, you can. I don't want any money from you, huh? No money, Bhikmangi. Then I messaged you on Facebook, Lyft, Oxford. Right. छोड़ कहीं कि मैं तुझसे क्या पैसे लूँगी कुत्ती. हिंदी आता है मुझे. 200 quid. What? Fine, I call police. Wait, you cunt! कौन तनी पांडे हैं? नाम सही से लो हमारा. Where exactly in Oxford do you want to go? हैं? Slowly. किधर? ठीक. Oxford के under. अरे बहन. English, please. किधर जाना? Oxford में. यहाँ. £100 plus damages for the liquor. Paise udhar. £90. £10 discount to save you from police. Okay? Fine. तुम यहाँ अकेले रहती हो? I don't think that's any of your business. तुम्हें हिंदी कैसे आती है? मॉम इंडिया से थी एंड डैड वो इज ब्रिटिश. अच्छा, मम्मी डैडी के साथ रहती हो? घर पे नहीं है क्या? काम पे गए? उनका डिवोर्स हो गया. ओ. मेरा बाप शराब पी के मेरी मॉम को मारता था तो मेरी मॉम ने उसका बाहर फेंक दिया. क्या फेंक दिया? चोरी. चोरी? They separated. छोड़ दिया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैडी को छोड़ दिया? Yeah, that's what I said. मुझे तो लगता था कि सिर्फ इंडिया में होता है. मेरी काम वाली है, उसका पति भी शराब पी के उसे रोज मारता है, तो उसने भी उसको मतलब I understand. Right. I'm sure you do. You have experience apparently. तो तुम्हारी मम्मी अकेले रहती हैं? उनका ध्यान कौन रखता है? उनके साथ कोई रहता है? She died of cancer. Oh, sorry. इतनी शराब कौन पीता है? तुम पीती हो? You talk a lot. अरे फ्लावर पॉट में फ्लावर तो डाल दिया करो यार, अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली. Fuck. क्या हुआ? तुम फ्लावर पॉट भी लेके जा रही हो? Oh, come on. I work in BPO. I make pickle. I do Facebook. I do Insta. Facebook and Instagram won't be very happy to know you're doing them. Then what? I can do everything. Here it is. तुम्हारी राम कटोरी और घर के तो बिल्कुल फटे हाल हैं. टिप टॉप. लिफ्ट चाहिए? नहीं तो जा सकती है.
नहीं नहीं चलो चलते हैं। सीट बेल्ट। गणपति बप्पा मोरिया। तो बहन तुम सही सलामत पहुंचा दोगी ना? राइट लेना दीदी, यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, राइट राइट राइट। तुम्हारी खुशी के लिए ये लो, खुश हो गए तुम? घर तो भी हरा भरा है समा, भैंस हुए हर जगह। चाचा चाची और बड़े भैया है बुलाओ तुझको आज घर नहाने जरा, थोड़ा पगला। तुम ऑक्सफोर्ड क्यों जा रही हो? There's a modeling contest there. It's a big one. I missed it last year. तो तुम एफटी पे आओगी? Let's hope so. बात है यार, सुंदर तो हो तुम। मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं लगा इसलिए छोड़ के गया। आगे के बटन छोड़ के चला गया। बहन तुम्हारे पास कुछ हाथ धोने के लिए कुछ है क्या? Okay. चलो 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 Hello. Andrew, hi. Yeah, I'm on my way to the competition, so don't worry about... Wait, what? I don't understand. How can they do that? One second, I... Okay. All right, fine. Kya hua? Kuch nahi. कुछ नहीं हुआ तो मुंह क्यों चढ़ा के बैठी हो? मेरे एजेंट के कॉल आए। और क्या बोले तुम्हारे एजेंट? कॉन्टेस्ट डिले होगा। भाई कॉन्टेस्ट ही डिले हुआ है ना, कोई मरा थोड़ी ना है। मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? क्या सोच रही हो भाई? क्या सोच रही हो? मेरी नानी रहता है पास वाले टाउन में, उनसे मिलने के मन किए। तो हमारे प्लान चेंज किए, तुम बुरा तो नहीं लगोगी? मैं क्यों बुरा लगूंगी? नानी तुम्हारी, मन तुम्हारा, मुझे क्या समस्या हो सकती है बताओ?
Shall we go then? एक शर्त पे. What? मुस्कुराओ. चलो मैं तैयार होकर आती हूँ. Listen, वो थोड़ी अजीब है, so just take care of that. तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लिया नानी, कौन सी बड़ी बात है. Here it is. ये तुम्हारा घर? Wow. बहुत सुंदर है यार. I know. मैं इसी घर में पैदा हुई थी. हाँ. हर साल मम के साथ आती थी. Oh my goodness, best summer holidays ever. 8 साल के बाद आ रही हूँ. I was homeless for 4 fucking years, Radhika. I didn't want you to see me like that. मुझे नहीं लगा तुम्हारी नानी जी घर पे हैं. She's home. I know she is. पर कॉल कर लेती हूँ ना. I don't need to call her. She's home. Grandma, finally. कौन है तुम? मैं आना. आना कौन? आपकी बेटी. पोती. 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 मेरी पोती 8 साल पहले ही मर गई. Okay, Grandma. Oh, by the way, this is my friend Radhika. इंडिया से है. नमस्ते नानी जी. बहुत अच्छे हिंदी बोलती है, बहुत अच्छे अचार बनाती है, पर ठीक है, आपको बात नहीं करनी है तो लेट्स गो. अरे कहाँ जा रही हो तुम? फुद्दू. हाँ, व्हाट्स फुद्दू? अरे कमिंग इनसाइड. अरे नाती होता है, होती नहीं. ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी. जरा चख के बताओ कैसी है नानी जी आपकी. बहुत खुशबू आ रही है. ये इंडिया याद दिला दिया तुमने आज. अरे इंडिया तो आपके दिल में रहता है नानी जी. ए, आप क्या अपने एजेंट का गुस्सा सारा बिरयानी पर निकालोगी? No. Are you mad? पक्का? Yeah. नानी जी आप ये किसके लिए बना रही हैं? मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद आई टुक दिस अप एज अ हॉबी. ही यूज्ड टू गिव मी ऑल दिस. कम से कम इसी बहाने में उन्हें याद तो कर लेती हूँ. चलिए इस बहाने में अपनी बिरयानी ले आती हूँ. शकुंतला की कहानी नहीं सुनी? शकुंतला? कौन शकुंतला? जब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा, तो शकुंतला बहुत रोई. पिघल कर ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अगर वो दुष्यंत की दी हुई कोई चीज उसे दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा. तो शकुंतला की अंगूठी देखकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया. तेरे प्यार को जब याद आएगा ना, वो खुद दौड़ कर आ जाएगा. Shall we eat? हाँ, बहुत भूख लगी. यार तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर. क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो? Yeah, just keep quiet for 2 seconds, yeah. क्या ये? बोलो आप. हंसी की दवा. हंसी की दवा. Let's go. Let's go. गांजा? Yeah. तू गांजा? नानी देख लेंगे तो फिर कोई नहीं देखेगा. पागल तुम क्या? Try. Take it right. अरे नहीं, कभी क्या? नहीं नहीं, कभी. Try. मरूंगी तो ना. You love it. खराब नहीं है. वही तुम ही करो भाई. वॉच 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 वॉच. सिंपल. कम ऑन. अरे तुमसे हो जाता है बहन, हमसे नहीं होता है. तुमसे भी होगा. ब्यूटिफुल. ओह माय गुडनेस, यू आर एडोरेबल. अच्छा लगा.
ये तो हो गया। यार तुम्हारी नानी तो बड़ी नटखट निकली है इस उम्र में। इस उम्र में जाके कोई नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही की। हम साले चरखे हैं, हम सोचते ही रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लाओ तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन जानता है मुझे, है ना? कोई नहीं जानता। मैं तो करूंगी। छोड़ो। ये तो सचमुच हंसी की दवा। मुझे पता है तू यहां क्यों आई है। चाकू देखा था मैंने तेरे बैग में। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, मेरे तजुर्बे से किसी आदमी पे अटकी मत रह, चाहे कुछ भी हो, लाइफ गोज ऑन। हेलो आनंद। हेलो राधिका। हेलो हेलो मेरी आवाज़। हेलो मेरी आवाज़। हेलो। हाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। बोलो बोलो। एक्चुअली वो एक अभिषेक का पता चला है। हाँ उसने ऑक्सफोर्ड में दूसरी शादी कर ली है। नानी आई हैव बीन कॉलिंग यू, कांट यू हियर मी? नानी वी हैव टू लीव। नानी दिस इज नॉट फनी। नानी कम ऑन। नानी राधिका ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। हेलो व्हाट्सएप यू हैज एग्जैक्ट एड्रेस। आनंद मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। राधिका तुम ठीक हो? एना एना क्या हुआ? नानी आई डोंट अंडरस्टैंड शी इज नॉट रिस्पोंडिंग। हां शी डजंट सीम नानी जी नानी जी नानी जी नानी जी अरे नानी जी उठिए अरे नानी जी नानी That's Radhika. She grew very close to my grandmother. Thank you so much for coming, by the way. To pay my respects to Nani's love for Hindi, I shall share my thoughts and memories in Hindi, so bear with me. Nani kehti thi, bacha, vast avig bane raho. Child, always be yourself. अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई दूसरा प्यार करने वाला नहीं रहेगा। मिलेगा। इफ यू विल नॉट लव योर सेल्फ देन नो वन एल्स विल। डब्बे में बंद होकर सोचने के लिए ही मौत होता है। डब्बे के बाहर सोचो, जो भी करो उसमें लुत्फ उठाना मत भूलो। डेथ हैपन्स व्हेन यू थिंक इनसाइड द बॉक्स, सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स, लिव लाइफ एंड। यार लुत्फ का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। बेसिकली जस्ट व्हाटएवर यू डू, don't forget to have fun, don't forget to enjoy. Thank you. Radhika, tumhe pata hai last time maine kisse hindi mein baat ki? Maa se. I miss her.
happened. मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। या, बा, तुम क्यों रो रही है? तुम भी रो रही हो पर दिखा नहीं रही हो। तुम्हें रोना चाहिए, दिल हल्का होगा। रो, आओ मेरे संग रो, रो रो मेरे संग रो। रो, जोर से रो। Are you serious? अच्छा ठीक है, छाती पीट लो। जोर से पीटो। कोई नहीं सुन रहा है, जोर से रो। अब हम ऑक्सफोर्ड कैसे जाएंगे? हमारे तो सारे पैसे शोक सभा में खर्च हो गए। यहाँ वेट करो, मैं आती हूँ। Hiya. You're right. Yeah, not too bad. You? Can we see that car over there? How much for that beauty? 100 quid. Are you kidding me? No. 400. 400? Are you mad? You're crazy? Look, I've got about four other cars there. It's perfectly fine. अपना सामान ले लो, बस में जाएंगे. बस में? बस क्यों? बाद में समझाऊंगी, पहले इससे निपटाने। Thanks. Keys. Yeah, I'm not running away. I'm no thief. Thank you. You want to count them? I will. Enjoy. Diljit ji, आप पराठे खाते हैं? कौन से पंजाबी नहीं पराठा खाता है? मेरी ex-wife बनाती थी कई साल पहले। क्यों? नहीं वो क्या है ना ये? Hey, are you stupid? What's that for? खा लेना। Idiot. तू idiot. अरे यहाँ तक छोड़ दिया उसने? कैसे आते फिर? Yeah, I guess. Anyway, so this is it. How do you feel? Happy, excited. पता नहीं. उसको बोलोगी क्या? ये चाकू ना उसके पेट में तीन चार बार मैं घुसाड़ दूंगी, मार डालूंगी सारे को। ये उसके पापों का हिसाब चुकता करने का उपकरण है। इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट। तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? क्यों? क्यों? अरे जेल जाओगी, उसकी वजह से अपनी लाइफ क्यों खराब करते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है? Fuck him! अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो करो। देखो जो मुझे आता है ना मैं वो कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मदद? तुम्हारा ये बेवकूफ रिवेंज प्लान में? Hell no! ठीक है, अकेली मार दूंगी मैं उसे, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। Fine! You're fucking insane, man! सुअर हड्डी तक चबा जाते हैं। आपको कम से कम 16 सुअर की जरूरत पड़ेगी जो पूरी की पूरी 200 पाउंड की डेड बॉडी खा के चट कर जाएंगे 8 मिनट में। ये YouTube वीडियो देख के तू लंदन आई? कमाल का प्लान है ना? कमाल का? मुझे पता था कि सिर्फ तुम मेरी भावनाओं को समझ पाओगी। क्यों ना जिस दिन वो आदमी मुझे मिल गया उसके नाम मैंने ऐसे टुकड़े कर देने, ऐसे कूट कूट के उसको मार डाला। मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा।
हमें पता है कि ये रॉकी का अभिषेक का घर है। हर वेंसडे ठीक 6 बजे अपनी वीगन बीवी को झूठ बोलकर वो घर से बाहर जाती है। ठीक 7 बजे फिर वो अपने दोस्तों के साथ बियर पीने और सुवर खाने पब जाती है। हाय। ठीक 8:30 बजे वो अपने दोस्तों से छुप के वही पब के पीछे सिगरेट पीती है। जैसे ही सिगरेट फेंकती है वही हमारा सिग्नल होगा और तब हम अभिषेक को मार सकते हैं। एकदम टट्टी। टट्टी मतलब? ये भीड़ भिड़ाके का इलाका है, हमें उसे एक ऐसी जगह जाके मारना होगा जहां लोग एक्सपेक्ट ना करें। कहां? उसके घर में। उसके घर में उसकी बीवी के सामने मारूंगी भोसड़ी के को। Are you mad? You can't do that. उसका गला काट दूंगी। कैसे करोगी? करूंगी, मैं करूंगी। अचार बनाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बर्नी में भर के लेके जाऊंगी। अचार बनाने के लिए प्लान चाहिए होता है। मेरा प्लान बहुत अच्छा है। What are you looking at? चल। Where? Are you sure? बस मेरे आने तक को जुगाड़ कर लेना। What's जुगाड़? 70-80 किलो का मुस्टंडा है, गोद में थोड़े उठाए घूमेंगे। Right, yeah. Right. कर लोगे ना? Wait. क्या हुआ? You know, right? चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ हूँ। जाओ। हाय। हाय। रॉकी इज इनसाइड? यस। हु शुड आई से दिस इज? ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम इंडिया। ओके, कम इन। कैन आई? प्लीज। थैंक यू। यू आर वेलकम। टेक अ सीट। Would you like any tea, coffee? No, thanks. No water? No, thanks. Okay. Mira Bachaka Bacha here. Okay, I'll just get Rocky for you. Thank you.
Susan, where's the duct tape? Can you pass it, please? अभिषेक राधिका, तुम? Okay, अब मुझे बांधा क्यों है? तो तेरी आरती उतारूं क्या? छन्नी से तेरे चांद से चेहरे की पूजा करूं क्या? पागल मत बन, मुझे किडनैप करके लाई है तू, यहाँ की पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। चुप कर मादरचोद, साला गोरी चमड़ी नहीं देखी कि फिसल गया? शादी कर ली यार तूने तो उससे, ज़बान लड़ाने के गोटे कहाँ से आए तेरे पास? What's good? Balls. Right. अरे तुम तो समझदार लगती हो, कुछ करो। मैं क्या करूँ? You deserve it. अरे इस लड़की के दिमाग की वायरिंग गड़बड़ है। She is highly unstable. Believe me. जरा सी भी चीज़ बोलो ना, तो ये बदला लेती है। She is dangerous. झूठ बोल रहा है। जैसे? जैसे टायर पंक्चर कर देती है, चाय में जमाल गोटा मिला देती है। ये बकवास कर रहा है। या मेडिसिनल मिसयूज फॉर द पर्पस ऑफ लूज मोशंस। बस अरे हर रोज। एक दिन मैंने कहा कि साइकाइट्रिस्ट के पास चलते हैं। उस रात मुझे जो लूज मोशंस हुए, फिर इसके बाप का फोन आता है कि मेरी बेटी पागल नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पागलपंती के डॉक्टर के पास ले जाओ तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके आचार। I know. Yeah, yeah. See? इसीलिए गोरी से शादी करके इसको सरने के लिए छोड़ा। No, no. राधिका is boring me. Let's get started. Don't start. कहाँ से शुरू करें? शुरू? What are you starting? इसकी उंगलियाँ काट देते हैं। No, please. Can I chop his dick off, please? I've always wanted to do that to a man. Look, my dick, please don't. इसके कपड़े उतार देते हैं। इसको ना मारो, चल तो नंगाई कर देते हैं। अरे मेरे कपड़े मत उतार, मेरे कपड़े मत उतार। जब साला सर्दी में मरेगा तब पता चलेगा। Very cold, please don't do that. Stop it, stop, stop. Stop, don't do that, please, yeah, please. इसे ना, इसे कंटा लगा के ना बेहोश कर देते हैं। उसके पास की चेंज बंद हो जाए। मैं चेचे नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद ड्रिंक के लिए जाते हैं। ड्रिंक खरीदेगा तू? उसके लिए ड्रिंक खरीदेगा? मैं बाप बच चुका हूँ। हाँ मेरे बच्चों का बाप ही बना था। सुअर के फार्म में जाना है ना? सुअरों के फार्म? इसके टुकड़े कर करके सुअरों को खिलाना है। आओ लेकिन सुअर बाल नहीं खाते। सो सॉरी, देखो कर सकते हैं हम कहीं भी जा सकते हैं। टैक्सी खाली है? तुम कब आई? बस अभी।
सब ठीक है ना? क्या लाइफ आपको सेकंड चांस दे ही देती है, पहचानना आप पे निर्भर करता है ना? मैं बाप बच चुका हूँ। हाँ, मेरे बच्चों का बाप ही बना था। जल्दी फिर ड्रिंक के लिए जाएंगे। I'll buy you a drink। शक्ल मेरा बदल क्यों हो जाएगा? लाइफ आपको सेकंड चांस दे ही देती है, पहचानना आप पे निर्भर है ना? देर आई दुरुस्त आई। अब आपने किससे भी सुनाओगी कि हुआ क्या? कभी नहीं। अरे चलो ड्राइवर। जब घर से बाहर निकलते हैं ना, तभी नजरिया बदलता है सारा। या तो आप हालात से हार मान लेते हो, या उसका डट कर सामना करते हो। All the papers are fraud. I'm sorry. I'll have to arrest you. या हालात आपकी लौड़े लगा देता है। पर हालात कुछ भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन। जो सपने रूप